और बता दीजिए, वैशाली से ललटेन जलेगा क्या? ललटेन जलेगा ही जलेगा, अंधेरा में कौन रहता है सर जी? वो गरीब रहता है, गरीब है तो अंधेरा में रहता है तो ललटेन में जल जाएगा तब ना। गरीब के सभा में जो आएंगे तो भाई साहब ही आएंगे। भाई साहब कौन भाई साहब? मुन्ना शुक्ला यादव के बाबूजी भी तेरी गलती किए हुए हैं सर। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी हम पहुंच गए हैं यह बसवाड़ी में, और अब जो है यह रौतिनिया के सटे हुए गांव है, और इस रौतिनिया ही है, और रौतिनिया में ही आए हुए हैं, और लोग ये बांस में ठंडा का आनंद ले रहे हैं और अपना ताश भी खेल रहे हैं, ताश पत्ता खेल रहे हैं। और चुनावी माहौल और चुनावी जो जंग है उसी में हम लोग भी आए हुए हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं कि क्या माहौल है वैशाली से, क्या माहौल रहेगा लोगों के बीच। तो हमारे पास बैठे चचा लोग हैं, मैं इन लोगों से बहुत बेहतरीन तरीका से बात करेंगे आपके साथ। क्या नाम हुआ चचा आपका? हमारा नाम सुरिंदर महतो। सुरिंदर महतो, हाँ। अच्छा, आप लोग महतो जी हैं? हाँ। महतो जी का क्या रहेगा इस बार वैशाली लोकसभा में? इस बार वैशाली लोकसभा में जो आएंगे तो भाई साहब ही आएंगे। भाई साहब कौन भाई साहब? मुन्ना शुक्ला जी आएंगे। मुन्ना शुक्ला जी आएंगे? हाँ। तब मुन्ना शुक्ला जी भूमिहार है तो उनको वोट दीजिएगा। देंगे हम गरीब जनता को, खाली एक कचरा के बारे में हेल्प कर दे। हम 2 महीना 5 दिन जेल कट के आए, फिर नोटिस आ गया हुआ है, उनको हराने वाला कोई नहीं है। मुन्ना शुक्ला जी को? हाँ, चाहे तेजस्वी आए चाहे कोई भी आए, कोई नहीं हराने वाला है। तेजस्वी को इतना आप लोग फैन काहे हो गए हैं? तेजस्वी यादव के बाबूजी भी तेरी गलती किए हुए हैं सर, बोलने का शक्ति दे करके कुछ नहीं किए, लेकिन इनके भाई छोटन शुक्ला थे कि क्या नाम है उनका, जो जेवर विपिन भाई, उनका गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, उस टाइम गरीब को देखते थे, देखते थे। अब फिर अभी खड़ा हुए हैं, गरीब को जरूर देखेंगे। यहाँ आदमी मर रहा, माल बकरी मर रहा, तो जब मरिए जाएगा तो जी कौन जिएगा जो सर ही वोट देगा? अच्छा, तो वोट इन्हीं को देंगे, हम लोगों को तो नहीं हेल्प कर दे। अच्छा, उनसे मिलना चाहते हैं आप लोग? हाँ मिलेंगे सर। मिलिएगा? मिलेंगे। अपना बात रखिएगा? हाँ हम बात रखेंगे। अच्छा बात रखिएगा, लेकिन यहाँ के वर्तमान में सांसद हैं बीना देवी जी, क्या बीना देवी जी से आप लोगों को उम्मीद था, वो काम किए हैं कि नहीं? बीना देवी जी ये काम नहीं करेंगे, आना प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का आदमी कोई काम करेगा, मुख्यमंत्री तो चोरे है। अच्छा, ये केंद्र से मिलता है कोई? नीतीश कुमार चोर है? और तो चोर नहीं है तो क्या है, वो हारेगा तब तो देखिए ना कि कैसे जेल हो रहा है। अच्छा, हाँ जेल होगा ही होगा, जेल हो जाएगा उसको। हाँ, चोर ना है तो क्या है, गरीब के देने के लिए सरकार देता है, केंद्र से यहाँ आगे आपसी करेगा ना तो लोग अपना अपना घर भरेगा। काहे नाराज है इतना मोदी सरकार से? मोदी सरकार से नाराज है इसलिए कि मुख्यमंत्री यहाँ के चोर रखे हुए हैं। अच्छा। हम लोग जेल खट रहे हैं, यहाँ आदमी मर रहा है, माल मर रहा है, बकरी मर रहा है, इसके लिए मोदी। अच्छा, माल बकरी सब मर रहा है तो यही जमुई में आए हुए थे नरेंद्र मोदी जी, बोले कि हमने भैंसियों के लिए टीका चलवा दिया है, तो टीका सब आप लोगों को नहीं नहीं मिला? टीका नहीं लगा मवेशी के? नहीं मिल, नहीं लगा। वो बोले कि लालू जी पर आकर कटाक्ष करके गए, कहे कि लालू जी यहाँ थे तो लड़कियों को बलात्कार हो जाता था रोडे पे, क्या अभी वैसा हो रहा है? उससे दुगना हो रहा है, उससे दुगना हो रहा है, उससे दुगना हो रहा है। ए बुआ एक तरफ रहो, इधर उधर कर रहे हैं। अच्छा, उससे दुगना हो रहा है? उससे दुगना हो रहा है। अच्छा, उससे दुगना हो रहा है, बड़ी बात दुगना हो रहा है, इतना नाराज है? इससे काहे नाराज है कि मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं। 2 लाख रुपया आपको नहीं मिला क्या? 2 करोड़? ओ सर जी, 2 लाख करोड़ रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको पावर सतुआ मकई के मिल जाता है अपने घर से ना। अच्छा। तो भैंस के घी है, भैंस का घी है, वो भैंस का घी है। भैंस लालू जी को, फिर लालू जी को आ गए आप? वो हमारे भैंस का घी है, वही पी लेंगे, वही बहुत है। अच्छा, और यहाँ पे बैठे हुए हैं चचा, आप जातीय जनगणना हो गया, आप कौन सा जात हैं? हम लोहार है जात के। लोहार है? हाँ। तो लोहार तो बीजेपी को वोट देता नहीं है? लोहार बीजेपी को वोट नहीं देगा, कहे थे हम लोगों को आरक्षण काट दिया हम लोगों को नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ।
तो हम लोग का कनेक्शन बहुत था, सब काट छूट करके मतलब बराबर कर दिया, इधर से उधर कर दिया। यानी जो यहाँ के बैकवर्ड लोग है वो मोदी जी से खासा नाराज है, बीजेपी तो उनके साथ है, भले स्वर्ण उनके साथ है लेकिन बैकवर्ड में एकजुट एकजुटता देख रहा है। जदयू के मिला लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं। वो 17 महीना में तेजस्वी कैसे काम किया है? 17 महीना में ठीक है मोटा मोटी, वो लेकिन नीतीश कुमार से सफाई एकदम चुरा करके कभी इधर से उधर कर रहा है। अच्छा ठीक है, योगी बाबा की जो यूपी के पूरा सुधारा ठीक है। हाँ योगी बाबा ठीक है जो यूपी को सुधारा, लेकिन यहाँ हम लोगों को पीटा करके आज जाना पड़ता है कर्जा थाना में, टाउन जेल में। अच्छा आ वही बेगर खैले या खैले वो 2 महीना 3 महीना सजा काटा। अच्छा तो वो काहे करने जाएंगे, हम किसी के वोट काहे देने जाएंगे जो हमारे लिए। अच्छा, तो बिना देवी को वोट दीजिएगा? नहीं नहीं देंगे, वो तो लोजपा से। लोजपा से हो नोचवा, हमारा नोचनी नहीं करवाना है। अच्छा नोचनी हो जाएगा तो फिर पहचानना जी हम डॉक्टर यहाँ जाएंगे। अच्छा तो ये कौन उनको वोट देगा? उनको वोट नहीं दीजिएगा ना नोचवा? खुलियाम बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है बिना? सर जी किसी से डर नहीं है, या तो मर जाएंगे मिट जाएंगे इसी जमीन धरती माता पर। अच्छा वो ठीक है, लेकिन हम जो कहेंगे किसी के मुहे पर कहेंगे, पीछे में नहीं बोलते। नहीं, चाहे हमको गोली खाना पड़ेगा सीना ओढ़ देंगे खा लेंगे। अच्छा। मंजूर है लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बहुत दम भर सुना रहे हैं, बड़ा नाराजगी है चाचा, इतना नाराजगी काहे रखे हैं? नाराजगी रखे हुए कि अब फिर नोटिस आया, फिर 1-2 महीना खटना ना पड़ेगा सर जी? ना ना नोटिस पे कैसे खटिएगा, जाके अपना दलील दीजिएगा। 16 तारीख के ये बुलावा है कोर्ट में, 16 तारीख के 61। अच्छा। गुड़ा है गरीब जो हम लोग गए हुए 61 गुड़ा है। हाँ फिर जाएंगे वहाँ से, अगर बंद करेंगे या नहीं तो डेट देंगे। अच्छा तो फिर जाना ही है, अब फिर खेत बाड़ी भरना था। तो एक बार नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ललटेन खत्म कर दिए, तेलवे खत्म कर दिए, तो गरीब है बॉल में जी रहा है, एलईडी में जी रहा है। अभी ऐसे नहीं बोलवाइए, लेकिन नीतीश कुमार के बोलवाइए हम उसके मुंह पर गाड़ी बगेंगे, अपना बाप से गांड मराए, वो तेल खत्म कर दिया सार के, वो सार चोर सके तो हम लोग के घर में अंधेरा कर दिए नीतीश जी। तो कौन किया? नीतीश जी ने किए तो कौन किए? हाँ नीतीश जी किए है सर। केंद्र से जो इंदिरा आवास मिलता है उसमें लोग कहता है 10,000 एकरा दो, 20,000 हमरा दो, 25,000 हमरा दो, 50,000 हमरा दो, तो गरीब के नाम से आता है उसी में चल जाता है, तो गरीब जिया कहाँ से? तो मोदी जी के न खोजना चाहिए ये सब। आखिर केंद्र से जो भेजते हैं वो प्रधानमंत्री, वो पूरा डायरी तो उनके हाथ में है, तो ये सब खोजना चाहिए उनको। तो जब वो न खोज रहे तो उनको क्या खोजेगा गरीब? आप देख लिए लोगों में क्या खास नाराजगी है आपको देखने को मिला और सुनने को मिला, लोग बहुत नाराज है। तो चचा कह रहे हैं कि लालटेन जलेगा इस बार, तो लालटेन जलेगा वैशाली से, क्या होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, वैशाली लोकसभा से है तो क्या मुन्ना शुक्ला जीतेंगे या बीना देवी? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।